प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, मैं हूं काविश अजीज और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग गई है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होगा, दूसरे चरण का चुनाव 14 फरवरी को होगा, तीसरे चरण का चुनाव 20 फरवरी को होगा, चौथे चरण का चुनाव 23 फरवरी को होगा, पांचवें चरण का चुनाव 27 फरवरी को होगा, छठे चरण का चुनाव 3 मार्च को होगा और सातवें चरण और अंतिम चरण का चुनाव 7 मार्च को होगा। 14 जनवरी से नामांकन शुरू हो जाएंगे, 10 मार्च को गिनती होगी और उसी के बाद ये पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनेगी। इस ऐलान के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए कुछ खास दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें एक निर्देश ये है कि 15 जनवरी तक कोई भी रोड शो, रैली, साइकिल रैली और बाइक रैली नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का नुक्कड़ नाटक और जनसभा नहीं की जा सकती है। जीत का जश्न नहीं मनाया जा सकता है। राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार डिजिटली और वर्चुअली कर सकती हैं। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई भी रैली नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद ही आगे के फैसले लिए जाएंगे। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।